हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम अंसारी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शेपिंग माइंड्स टू मेक फ्यूचर रेडी। आई एम हेयर विद द न्यू सीरीज़ विच इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़। मैं यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बार्क, इसरो, यूपीएससी, ईएससी एंड प्राइवेट फर्म्स में पूछे गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सीरीज। सो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंप्रेसर्स आर यूज इन HVAC सिस्टम ऑफ ऑटोमोबिल्स एंड वाई। ऑटोमोबिल कंपनीज के इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, और इवन मुझसे पूछा गया था गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के इंटरव्यू में फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। आंसर करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। इंटरव्यू के किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के हमेशा दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज टू सेटिस्फाई द इंटरव्यूअर बाय सिंपली आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड द सेकंड पार्ट इज टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर बाय गिविंग सम गुड एग्जांपल्स। मैं आपको दोनों बताऊंगा। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, बिकॉज द केबिन स्पेस इज लेस एंड ऑटोमोबाइल्स वर्क्स इंटरमिटेंटली। जहाँ पर एयर कंडीशनिंग करनी है दैट इज कॉल्ड कैबिन स्पेस, एंड इंटरमिटेंट का मीनिंग है फ्रीक्वेंटली स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ ऑटोमोबाइल। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स की दो प्रॉपर्टीज जो ऐसे सिस्टम में रिक्वायर्ड होती हैं, लो डिस्चार्ज एंड हाई प्रेशर इनसाइड द सिस्टम। ओके, इसके मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्वैश प्लेट टाइप डबल एक्टिंग कंप्रेसर, ये मोस्ट कॉमनली यूज कंप्रेसर है। उसके बाद है वेन टाइप कंप्रेसर एंड स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर्स। वेन टाइप कंप्रेसर्स और स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर्स बहुत ही लाइट व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं, जो ऑलमोस्ट आज के टाइम में बहुत कम हो चुका है। स्वैश प्लेट टाइप कंप्रेसर ही हर जगह यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको इसकी एक सैम्पल वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ओके, हियर इज द वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोटेटिंग एलिमेंट स्वैश प्लेट है, और रोटेटिंग मोशन स्वैश प्लेट का ट्रांसमिट हो रहा है पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ओके, यहाँ पे पिस्टन की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। टोयोटा ने अभी तक मैक्सिमम पिस्टन 10 यूज़ किए हैं, और अभी तक मैक्सिमम 10 पिस्टन का ही स्वैश प्लेट टाइप डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ में कवर करूँ, देन जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। और अगर मुझे ये क्वेश्चन अच्छे लगे देन आई विल श्योरली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।